applications we have electric iron, electric geyser, electric toaster, oven, kettle. These all are on the basis of heating effect of current. Suppose ये आपका गीजर है, ठीक है, इसमें जो हम हीटिंग रोड यूज करते हैं दैट इज बैड कंडक्टर, मैक्सिमम कोलिजन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है टू द चार्जेस. जितना कोलिजन होगा उतना हीट निकलेगा, तो ये हीट कहाँ ट्रेवल कर जाएगा, ये रोड है, ये ड्रम है आपका, तो हीट को वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा एंड यू विल गेट द हॉट वाटर. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब अदर नेम इज इनकैंडेसेंट लैम्प. इसका पर्पज क्या होता है, इट इज यूज टू प्रोवाइड लाइट बाय हीटिंग द एलिमेंट, हीटिंग द एलिमेंट. एलिमेंट क्या है, वो उसका जो फिलामेंट है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, फिलामेंट का, और इतना इजिली वो आप कह सकते हो कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में अगर मेंशन करूं दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टंगस्टन का हम यूज करते हैं, टंगस्टन, ठीक है, तो टंगस्टन यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स. तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द पावर होती है वो कंज्यूम्ड हो जाती है, कंज्यूम करता है फिलामेंट, वो पावर जो होती है हीट की तरह अपीयर होती है, मोस्ट ऑफ द पावर, और उसका कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ इट अपीयर एज लाइट. तो जो बल्ब होता है आपका वो हीट भी देता है और लाइट भी देता है, बट उसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो आजकल बल्ब कोई यूज नहीं करता, सारे एलईडी यूज करते हैं, एलईडी बल्ब. ठीक है, ये पुराने वाले इलेक्ट्रिक बल्ब कहाँ यूज होते हैं, पोल्ट्री फार्म में, ठीक है, या जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं ना उनको थोड़ी थोड़ी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां यूज किया जाता है, लैम्प के अंदर लगा के 100 वोट का 200 वोट का बल्ब यूज कर लेते हैं, हाउस के अंदर बहुत कम लोग हैं जो यूज करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव आफ्टर इलेक्ट्रिक बल्ब, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली होता क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. सेफ्टी डिवाइस कहां यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर. इसमें क्या होता है, अगर एक करंट, इफ ए करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोस थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट. टेम्परेचर एक जो करंट की वैल्यू है अगर लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो फ्यूज वायर ना मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है, सर्किट ब्रेक होते ही आपकी सारी सप्लाई स्टॉप हो जाती है. ठीक है, इसमें भी रेटिंग होती है, से फॉर एग्जांपल वी हैव वन इलेक्ट्रिक आयरन जिसका पावर है 1 किलोवाट और वो ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पर. अगर गिवन नहीं है 220 तो स्टैंडर्ड 220 होता है, हमारे हाउस में जो सप्लाई होती है ना स्टैंडर्ड इज 220 वोल्ट. तो अगर हमें इसे इसकी करंट रेटिंग निकालनी है कि कितने रेटिंग का हम फ्यूज यूज करें, पेपर में क्वेश्चन आता है इस पे 1 मार्क का है 2 मार्क का, तो पी इक्वल्स टू वी आई यूज करना, पावर 1000 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट इंटू आई, तो 1000/220 I. इसे आप सोल्व करोगे तो आएगा 24.88 12 4.5 एम्पियर. तो जो मैक्सिमम करंट है जो एक इलेक्ट्रिक आयरन ड्रो करेगी दैट इज 4.5 एम्पियर. तो आप इसके आसपास का कोई भी यूज कर सकते हो, 4.6 ले लो, 4.7, बट 4.67 के ना जो रेटिंग के फ्यूज होते हैं वो मिलते नहीं है, स्टैंडर्ड रेटिंग होती है जैसे 5. स्टैंडर्ड रेटिंग कौन सी है, 1 का 2 का 3 5 10 15 25. तो उसमें आप इसे जो जस्ट ऊपर है 5 एम्पियर रेटिंग वाला, इसको आप यूज कर सकते हो.
ठीक है, 5 एम्पियर रेटिंग का करंट आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके मटेरियल की अगर बात करूं मैं तो एलॉयज से हो सकता है, एलॉय आप ले सकते हो, कॉपर और टिन का फ्यूज वायर बना सकता है, ठीक है, लेड और टिन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, सर्किट को सेफ करने के लिए, एक लिमिट, एक सेफ लिमिट से अगर करंट एक्सीड हो जाता है तो वो फ्यूज क्या हो जाता है, हीट अप होके मेल्ट हो जाता है एंड इट विल ब्रेक डाउन द सर्किट। और ये कहां कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव वाली वायर के साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ सीरीज में, ठीक है, पॉजिटिव वायर का के साथ पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट होता है सीरीज के अंदर। फ्यूज कई टाइप के आते हैं, जैसे आपका एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ट्वाइस के अंदर फ्यूज आता है, ऐसे सिलेंड्रिकल, अपने जो व्हीकल्स होते हैं उसमें भी यूज होता है, ऐसे एक कैप होती है मेटल की, फिर बीच में ग्लास की रोड होती है, फिर एक कैप होती है, तो यहां सप्लाई देते हैं, ठीक है, इसके बीच में फ्यूज वायर होती है। एक लिमिट से अगर एक्सीड हो जाए तो ये वायर क्या होती है, ब्रेक, तो यहां का करंट आगे पास होगा ही। तो अल्टीमेटली 2-4-5 रुपए का फ्यूज यूज करके आप पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। गाड़ियों में यूज होता है, कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील के नीचे देखना, इस तरह से फ्यूज होता है, यहां रेटिंग लिखी होती है। तो जितने भी आपको कार के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस दिख रहे हैं ना, हेडलाइट हो गई, बल्ब हो गया, स्टीरियो हो गया, स्पीकर, जितने भी कनेक्शंस हैं सबका एक फ्यूज होता है। क्योंकि जब भी फ्यूज तो 2-4-5-10 रुपए का आ जाएगा, बट अगर आपका स्टीरियो अगर खराब हो गया, बैटरी से रॉन्ग सप्लाई आ गई, तो उस केस में वो स्टीरियो की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए फ्यूज को हम एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, लिमिट से एक्सीड होने पे वो सर्किट का कनेक्शन ब्रेकअप कर देता है। कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एंड में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रैक इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, ये उसकी रेटिंग गिवन है। कह रहे जब इसे हम 110 पर ऑपरेट करवाए, वोल्टेज हमने 110 चेंज कर दी, कह रहे तब पावर कितनी होगी। बेसिकली जो ये 100 वोल्ट होता है ना, दैट इज मैक्सिमम पावर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट और वोल्टेज इसकी कंजम्पशन चेंज होती रहती है। कह रहे 220 वोल्ट पे था तो पावर ये थी, 110 कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी, आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वोल्टेज गिवन है हमें, पावर गिवन है, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस आ गया वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर में अगर देखूं 220 स्क्वायर हो गया आर और पी हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी, पावर हो गई आपकी 100 वोल्ट। तो 22 का स्क्वायर अगर देखें तो ये आएगा 484, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आ गया। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को क्या करना है, हाफ करना है 220 से 110। तो कह रहे नेक्स्ट पावर क्या होगी, तो पी डैश ले लेते हैं, वी डैश स्क्वायर अपॉन आर, पी डैश कैलकुलेट करना है हमें, वी डैश हो गया 110 का स्क्वायर आर 484। इसे अगर सोल्व करें 110 इंटू 110 अपॉन 484 कैंसल आउट करें इसे तो 11 4 जा 44 4 जा 10, फिर आगे 11 पे करेंगे 10 4 100 बाय 4 25 वोल्ट। तो पहले पावर कितनी थी 100, अब पावर कितनी होगी 24, तो पावर क्या होगी 1/4 टाइम्स। जनरल भी आपसे पूछ सकता था, बल्ब एक वी वोल्ट पर है, पावर उसकी पी है, अगर हम पावर को अपना वोल्टेज को हाफ कर दें तो पावर कितनी होगी, इसमें नंबर दे दिया वो जनरल है, ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी पी बाय
4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3rd था ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 14 है। यू हैव टू कंपेयर पावर इन 2 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट सर्किट क्या है? फर्स्ट सर्किट है 2 रेजिस्टेंस हैं, एक है 1 ओम का एक है 2 ओम का, और इसे कनेक्ट कर दिया गया है 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। सेकंड सर्किट है 12 और 2 का पैरेलल, 12 और 2 का पैरेलल कनेक्ट किया है इसे हमने 4 वोल्ट से। ये आपके पास दो सर्किट है, क्या इसके 2 ओम में जो पावर है और इसके 2 ओम में जो पावर है उसे कंपेयर करना है। कंपैरिजन मीनिंग यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला हमारे पास जैसे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए, इसके लिए हमें उस रेजिस्टेंस का करंट चाहिए, कोई भी यूज कर लो। करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, नेट रेजिस्टेंस अगर निकालूं तो 1 और 2 सीरीज में, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 ओम। V इक्वल्स टू आई आर, 6 वोल्ट इक्वल टू आई इंटू आर, आर कितना 3 है, तो आई यहां से कितना आ गया 2 एम्पियर। तो ऐसे करंट कितना गया 2 एम्पियर, दोनों में 2 एम्पियर ही गया। इसकी पावर अगर निकालें आई स्क्वायर आर, 2 स्क्वायर इंटू आर कितना आ गया 8 वोल्ट। तो 2 ओम की पावर क्या आ गई 8 वोल्ट, इसे निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास अगर हम वी स्क्वायर बाय आर यूज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं, बट पैरेलल में आप वी स्क्वायर बाय आर करो क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होती है। इसके अगेंस्ट भी 4 वोल्ट है, इसके अगेंस्ट भी 4 वोल्ट है, डायरेक्ट हो गया सोल्व 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 2, 16 बाय 2 दैट इज 8 वोल्ट। तो पी वन 8 वोल्ट, पी टू 8 वोल्ट, कंपेरिजन मीनिंग रेशियो ही होता है 8 बाय 8 दैट इज 1:1। तो जो पावर होगी उसकी रेशियो क्या होगी 1:1। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, काफी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, सैंपल पेपर में मैं चेक हूं, क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का ही था वो। क्वेश्चन देखो क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन, पहला सर्किट आपका ये 1 ओम 2 ओम 6 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। दूसरा आपका सर्किट है 1 ओम 2 ओम और बैटरी है 4 वोल्ट, ठीक है। कह रहे स्टेटमेंट ऐसे है कि 1 और 2 ओम को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और नेक्स्ट टाइम जो है हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। तो इसमें आपको पावर यूज्ड बतानी है 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। पहले इसमें देख लेते हैं, अब डेफिनेटली ये सीरीज में है तो इसके अगेंस्ट वोल्टेज अलग अलग होगी। पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 प्लस 2 सीरीज में 3 हो गया, ठीक है। इसकी अगर करंट निकाले हम V इक्वल्स टू आई आर, 6 वोल्ट इक्वल्स टू आई इंटू आर कितना है 3, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। कितना करंट ड्रॉ किया इसने 2 एम्पियर का। नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया। अब यहां से अगर हम दो मेथड है, आप कोई भी यूज करो, इसकी अगर पावर निकालनी है तो पावर क्या होगी आई स्क्वायर आर, पावर कितनी आई कितना है 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2
पावर आ गई 8 वॉट। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, ये मेथड यूज नहीं करना, तो वी स्क्वायर बाय आर। अब इसके लिए हमें इसके अगेंस्ट वोल्टेज पता होनी चाहिए, टोटल कितना है 6 वोल्ट। इसके अगेंस्ट वोल्टेज निकाल लें, इसके अगेंस्ट वोल्टेज निकालें वी इक्वल्स टू आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 1, तो इसके अगेंस्ट वोल्टेज कितनी आ गई 2 वोल्ट, तो इसके अगेंस्ट क्या आ गई 4 वोल्ट। तो यहां से पावर अगर निकालें 4 स्क्वायर बाय 2 कितनी आएगी 8 वोल्ट। कोई भी मेथड यूज करो, ठीक है, तो आपकी पावर आ गई इसके अंदर 8 वोल्ट। सेकंड केस देखते हैं, इसमें से अगर आपको सोल्व करना है, इसके अगेंस्ट निकालना है, अब चाहे आप इसका करंट वाले मेथड से कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। अगर पैरेलल वाला करना है, पैरेलल में ऐड ऑन करोगे, उसके बाद करंट फाइंड आउट करोगे, वो मेथड भी यूज कर सकते हो। पेपर में अगर गिवन है फाइंड आउट द करंट एंड नेट रेजिस्टेंस, तो आपको फाइंड आउट करके ही जाना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पावर निकालू, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, इसके अगेंस्ट वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, इसके अगेंस्ट कितनी है 4 वोल्ट, तो वी स्क्वायर बाय आर, 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2, 16 बाय 2 8 वोल्ट। पावर रेशियो क्या आएगी सेम, बट पेपर के अंदर आपको वो रेजिस्टेंस और करंट फाइंड आउट करने के लिए भी बोलता है, तो आपको पहले वो फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो दोनों पैरेलल में, इसका नेट निकाले तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यहां से नेट निकाल लेना कितना आएगा 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय R। यहां से R आ जाएगा आपका नेट, उसके बाद वोल्टेज आपके पास है, यहां से करंट आ जाएगा। करंट डिवीजन रूल से ये करंट फाइंड आउट कर रहे ना, उसके बाद आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हो आप, कोई भी मेथड यूज करो, ठीक है। तो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके आ जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है लैंप बेस्ड होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर है, एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे अलग से ही है, बता देता हूं आपको। वी हैव टू बल्ब्स रेटेड 100 वोल्ट 120 वोल्ट, बल्ब 1, बल्ब 2 10 वोल्ट 120 वोल्ट, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये दो बल्ब ले लिए हमने, पैरेलल में जो बैटरी है दैट इज 120 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। फिर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, कह रहा फाइंड आउट करंट इन ईच बल्ब एंड विच विल कंज्यूम मोर पावर, ठीक है। करंट निकालो और पावर बताओ, दोनों पैरेलल में, तो पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लगा ले, वी स्क्वायर बाय आर, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लगाए, यहां से आर निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर बाय पी, वी इज 120 × 120 स्क्वायर और पावर है हमारी 100 वोल्ट, तो आ गया 144 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। इसका रेजिस्टेंस अगर निकालें P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो V है आपका 120 और R है 10, तो ये आ गया आपका 1440 ओम, इसका 144, इसका 1440 ओम, दोनों का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया तो करंट भी निकाल लेते हैं, करंट अगर निकालें इसका करंट I1 इक्वल्स टू V बाय R1, V कितना है 120, R 144, करंट आ जाएगा यहां से I2, V बाय R2, V कितना है 120, R2 कितना है 1440। इसे मैं अगर सोल्व करूं तो ये आएगा आपका 67212 पे, .83 एम्पियर, ठीक है, 100 वोल्ट वाले में 0.83 एम्पियर, तो ये 10 टाइम्स बड़ा आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस 10 टाइम बड़ा था, छोटा आएगा डिवाइडेड बाय आर है ना, तो ये आ जाएगा आपका 0.083 एम्पियर।
तो जो बल्ब ए है आपका, ये 100 वोल्ट वाला, इट विल कंज्यूम मोर पावर, करंट ज्यादा है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया, ये वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, 100 वोल्ट वाला। अगर यही हम सीरीज में रखते तो जिसकी पावर कम होती है ना वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ये हायर क्लास में कंसेप्ट आता है, हायर क्लासेस में। पैरेलल में तो जिसकी पावर ज्यादा है उसका कंजम्पशन ज्यादा आ जाएगा, पावर डायरेक्टली एड ऑन होती है, पावर एड करते हो आप। सीरीज के अंदर रिवर्स होता है, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। अच्छा, इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, या जो डाउट क्लास होगी आप उसमें डाउट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपकी डाउट क्लास फिजिक्स की होगी। थैंक यू।